आपका टैक्स की पाठशाला में। और आज का टर्म है पीपीएफ। पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जहां साल में कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 1,50,000, 1.5 लाख रुपए तक कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एट अ टाइम भी नहीं करना है, 50 आज किया, 50 नेक्स्ट मंथ किया। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको 7.1% इंटरेस्ट मिलता है। ये रेट चेंज होते रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से। राइट नाउ 7.1% टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है पीपीएफ। कौन खोल सकते हैं पीपीएफ का अकाउंट? माइनर, मेजर, सभी खोल सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है गिफ्टिंग के लिए। जस्ट जैसे राखी का फेस्टिवल कंप्लीट हुआ और अगर आपको कलेक्शन हुआ है 4,000 5,000, आप कोई भी बैंक में जाके या ऑनलाइन भी पोर्टल पे जाके पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत इजीली ओपन होता है। और आप अगर ये 5,000 रुपीज डाल दीजिए, ऐसे यू नो छोटे छोटे मैंने पीपीएफ अकाउंट देखे हैं जहाँ शुरुआत होती थी 100 रुपीज में, हमारे जमाने में, मतलब काफी पहले की बात कर रही हूँ, और आज लाखों रुपए जमा हो चुके हैं उस अकाउंट में इंटरेस्ट आ आके। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपको कम से कम 500, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बेनिफिट सेविंग होगी, सेकेंड जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट है। तो अगर 7% टैक्स फ्री है और 30% टैक्स है, तो मतलब टैक्स के साथ तो कितना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। और जो पैसे आप पीपीएफ में डालते हो आपकी इनकम में से डिडक्ट होके फिर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब ये टेक्निकल टर्म है, अगर आपको समझ आ जाए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख रुपए, आपने 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाले, तो आपको एटीसी में 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा और आपकी टोटल इनकम सिर्फ 4,50,000 होगी जिसपे आपको टैक्स पे करना है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं पीपीएफ के। और डिटेल तो गूगल अंकल है ही, बट एक सिंपल वे में मैं ये टर्म्स को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए। टैक्स की पाठशाला में काफी टर्म्स हम क्लियर कर चुके हैं, और भी आपके कोई डाउट्स हैं तो हम तक पहुंचाइए, हम इसको जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।